गाना भी नहीं गा रहे आज सर। देखिए अब अजय आलोक जी ने बोल दिया मृत्युंजय जी, अब आप नहीं भाग सकते। डॉक्टर साहब देखिए पेशेंट के बारे में नहीं, गाना आज गाएंगे शाम में रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद ठीक है, आपकी धड़कने जो है उनकी हम इस वक्त जो आशुतोष जी के नाजुक मोड है, आप एक बात समझिए। बोलिए आशुतोष, कल आपका एग्जिट पोल था उसमें 107 सीटें आ रही थी। विश्वास है वो ना डिगा है ना डिगेगा। तो मृत्युंजय जी का अगर हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा भाई? नहीं लेकिन आशुतोष तो इसलिए अचानक अभी एक मिनट जैसे ही रोहित ने कहा कि बात कम धीमे धीमे हो रही है, अचानक मृत्युंजय जी का चेहरा खिल गया, उम्मीद जग गई। आशुतोष जी, आशुतोष जी कल तक आप नरेंद्र मोदी को भी कोस रहे थे, देखिए आप नीतीश कुमार को भी कोस रहे थे। नहीं सुनिए सुनिए, कल तक आपको तेजस्वी में पूरा राष्ट्रीय भविष्य दिख रहा था, आप उनको सबसे बड़े नेता, हमारे बगल में प्रभु जी भी थे, प्रभु जी ने भी उसमें सारे गुणगान देखना शुरू कर दिया। मेरा ये कहना है, अभी भी देख रहा हूं। नहीं नहीं मैं मेरा कन्विक्शन मेरे लिए विचारधारा नहीं है, मेरे लिए न्यूज है। नहीं नहीं न्यूज ठीक है, तेजस्वी अभी भी 60 सीट ला सकते हैं। मेरा 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 प्रभु जी सिर्फ इतना कहना है कि आप देखिए, आप न्यूज का विश्लेषण कीजिए लेकिन उसमें सारे ऐप को छोड़ करके, और आपने जो सारा गुणगान देखना शुरू किया था मुझे वहां पर दिक्कत हो रही है। उसमें आपने देखना शुरू किया, इसने बहुत अच्छा 40% पॉपुलैरिटी 5 साल में आपने बोलिए ना, मैंने बस 10 सेकंड में और बोलूंगा 10 सेकंड। आपने कहा कि उसमें नेतृत्व का एक उभार आया है, अरे 5 साल में कहा उसमें नेतृत्व का कोई ऐसा विषय दिखा था? ये 15 दिन के अंदर थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट हुआ जिसके आधार पर लोगों ने कहा कि उसने तो बहुत बड़े नेतृत्व का उसमें गुण दिखना शुरू हो गया। मुझे सिर्फ इसी बात पर ही है, कल भी कह रहे थे कि वो नेता बन गया। प्रभु जी जवाब दे, अब सुनिए, आपने मैंने कल पूछा था आपने कहा नेता बन गए। आप मैं एग्जिट पोल के लिए यहां बैठा हूं, एग्जिट पोल पर कमेंट कर रहे थे हम। एग्जिट पोल ने कहा कि सबसे पॉपुलर नेता कौन है? तेजस्वी यादव। कहा था कि नहीं? मैंने तब भी कहा था, मेरे पूरी जवाब, मैंने सवाल का जवाब तब भी कहा था। दूसरी बात, चलिए आप नहीं जवाब देंगे पता है, क्योंकि आपका जवाब है नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि सीटें उनको ज्यादा मिलेंगी। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, नीतीश की पॉपुलैरिटी तेजस्वी से कम है, आज भी दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी की सीटें नीतीश से ज्यादा हैं। 15 साल का अनुभव होते हुए भी 5 बार दूसरे के सिर पर बैठकर के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 31 साल के लड़के से आगे नहीं बढ़ पाए, इससे ज्यादा क्या दिखाता है? 15 दिन के अंदर उसने सारा पलट दिया सर, एक लड़के में उसने दिखाने। ये नहीं कह रहा कि जीतेंगे कि नहीं जाएंगे, पर नीतीश कुमार थे ज्यादा पॉपुलर नेता। नीतीश जी बोल रहे हैं, प्रभु जी जो बात बोल रहे हैं उस पे अजय आलोक एक बार कमेंट करना चाहेंगे जरूर। अजय जी, श्वेता भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं आंकड़ों में चल रहा हूँ, मेरा विचारधारा विचार के ऊपर नहीं है, आंकड़े जो बता रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नीतीश से ज्यादा सीटें उसकी हैं, नीतीश से ज्यादा पॉपुलैरिटी है, और पिछले 3 साल के अंदर उसने अपने आप को खड़ा किया है, और नीतीश जी की पॉपुलैरिटी कम हुई है उसकी बड़ी है, इसमें क्या गलती है भैया? बोलिए अजय आलोक, बोलिए फिर श्वेता के पास चलेंगे। अजय आलोक बोलिए। देखिए प्रभु जी का ये आकलन अगर है तो इस पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन ये मत भूलिए कि नीतीश कुमार ही पिछले 15 वर्षों से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। परसों तक, कल रात तक सब चैनल लगातार एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश की लोकप्रियता गिर जाएगी, एनडीए 100 से नीचे, 60 से 90, ये 180, कोई 200, कोई कुछ, तो ये तो अब सामने आ रहा है ना कि ऐसा तो नहीं है बिल्कुल कि एक तरफा बात हो गई। एक तरफा बात की तो बात नहीं है, जो रुझान दिख रहे हैं उसमें स्पष्ट है। हो सकता है मेरी बात गलत हो जाए, हम लोग 150 प्लस ना पहुंचे, लेकिन अभी जेडीयू तो, लेकिन 180 भी तो कोई नहीं पहुंच रहा है, तो पॉपुलैरिटी एडजस्ट कैसे करेंगे? तो जेडीयू के लिए इसमें क्या बड़ा सबक है, सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। श्वेता सिंह हमारे साथ तेजस्वी के घर के बाहर से जुड़ चुकी हैं। श्वेता, अब चूंकि 97 के आसपास महागठबंधन दिखाई दे रहा है,